फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। पंजाब के मोगा में बीती रात जो मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसे मेरठ निवासी पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी चला रहे थे। उनके माता पिता यहाँ गंगानगर थाना इलाके के गंगा सागर सी ब्लॉक में रहते हैं। अभी करीब एक साल पहले ही अभिनव की बागपत मवी कला निवासी सोनिका उज्जवल से 1 रुपए में शादी हुई थी, जिस कारण से वह इस इलाके में खासे चर्चा में आए थे। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान पायलट अभिनव चौधरी ने मिग 21 से राजस्थान के सूरतगढ़ के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन मोगा में एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। एयरफोर्स ने इस हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। पुराने पड़ चुके रशियन मिग 21 जिस तरह से एक के बाद एक गिर रहे हैं, उसे देखते हुए इसे पायलटों की ताबूत की संज्ञा दी जा रही है। पिछले सालों में 483 मिग 21 क्रैश हुए हैं, जिसमें करीब 200 से ज़्यादा पायलट मारे जा चुके हैं। इसे देखते हुए इसे अब एयरफोर्स से पूर्णतः हटा देने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। गंगा सागर निवासी सत्येंद्र चौधरी अपनी पत्नी सत्या चौधरी के साथ पूर्व में विजयलोक में रहते थे, इसके बाद कृष्णालोक और फिर गंगानगर चले गए। उनके 2 बच्चे अभिनव व मुद्रिका हैं। ट्रांसलैम में शुरुआती शिक्षा पाने वाले अभिनव चौधरी ने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली थी। एयरफोर्स सूत्रों ने बताया कि पश्चिमी सेक्टर में इन दिनों इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग चल रही है। कल रात 1 बजे स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी ने अपना मिग 21 बाइसन लेकर उड़ान भरी। रात करीब 2 बजे वह सूरतगढ़ एयरबेस की तरफ वापस लौट रहे थे। मोगा के ऊपर से निकलते समय विमान के इंजन में आग लग गई। अभिनव ने आखिरी समय तक विमान को संभालने का प्रयास किया ताकि वे इसे आबादी क्षेत्र से दूर ले जा सकें। आबादी से दूर उन्होंने इजेक्ट किया, लेकिन तब तक विमान काफ़ी नीचे आ चुका था। ऐसे में इजेक्ट करने के बावजूद उनका पैराशूट नहीं खुला। इसके बाद विमान एक जोरदार धमाके के साथ नीचे आ गिरा। उससे 2 किलोमीटर दूर अभिनव चौधरी का करीब 4 घंटे बाद शव बरामद हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।